तो आज हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आए हैं जो कि पटियाला में सरंद रोड पे है, गुरु कृपा के नाम से। तो यहाँ पे हम तभी आए हैं क्योंकि एक नई बाइक आई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालयन स्क्रैम 411 की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन लाइट की। तो हेलोजन लाइट हिमालयन में जैसे दी गई है, वो सेम हेलोजन लाइट है इसमें भी। इससे थोड़ी सी ऊपरी बहुत प्यारी सी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी हुई है। हेडलैम्प की जो पोजिशन है वो थोड़ी सी नीचे की गई है। सस्पेंशन ट्रैवल ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा कम हुआ है। प्लस क्योंकि हिमालयन में 21 इंच आता है और स्क्रैम में 19 इंच आता है। ट्यूब टाइप फ्रंट टायर है, ट्यूबलेस नहीं है और 119/19 का टायर साइज है। रियर टायर का जो साइज है वो सेम ही है, 120/90/17। इंजन पर जो है वो मैट ब्लैक कलर आता है और यहाँ पर आपको हिमालयन स्क्रैम 411 लिखा हुआ मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज है हिमालय से। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो मेटियोर का दिया गया है। तो गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाता है, ऑटोमेटर ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ जब फ्यूल रिजर्व में लगता है तो, और नीचे बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, पेट्रोल इंडिकेटर, एबीएस और बैटरी वगैरह। ये जो ट्रिपर मॉड्यूल है ये आपको एक्सेसरी के तौर पे लगवाना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में ट्रिपर मॉड्यूल नहीं आता है तो आपको एक्सेसरी के साथ में लगवाना पड़ेगा। और अगर नहीं लगवाया होगा तो ये जैसे नीचे लिखा हुआ है स्क्रैम 411 ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ट्रिप का स्विच है वो भी इस बार मीटर के बीच में नहीं दिया, अलग से दिया है। ये देखिए ये जो स्विच है ये ट्रिप का स्विच है। और एक बात, ये 7 कलर्स में आता है, 2 कलर्स तो हमारे सामने ही है। फ्यूल टैंक भी ये हिमालयन की तरह बिल्कुल सेम ही है इसका भी। एयर कूल्ड इंजन है देख सकते हैं, और नीचे बैच प्लेट दी गई है और 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो एक और चीज़ का ध्यान रखना वो ये कि इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता है। तो अगर आपको सेंटर स्टैंड लगवाना है तो आप वो कंपनी के बीच में से ही लगवा सकते हो। फ्रंट डिस्क 300 mm की है, 300 mm की, और जो रियर डिस्क है वो 240 mm की है। ड्यूल चैनल ABS है। स्पोक्स व्हील दिए गए हैं, सीएट कंपनी के टायर दिए गए हैं। इसमें ABS ऑफ करने का स्विच नहीं है। ABS अगर ऑफ करना है तो आपको सीट खोलनी पड़ेगी, फ्यूज है वो ABS वाला निकालना पड़ेगा, तब जाकर ABS ऑफ होगा। तो इधर जो इंडिकेटर दिए हैं रॉयल एनफील्ड ने, अफसोस कि वो हर बार की तरह LED नहीं है, LED इंडिकेटर्स नहीं दिए गए रॉयल एनफील्ड ने इस बार फिर से। इसमें रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन इंडिकेटर्स लग बहुत प्यारे रहे हैं। एग्जॉस्ट जो है वो बाहर से दिया है, काफ़ी लोगों को पसंद आता है, काफ़ियों को नहीं आता। मेरी मानो तो मुझे सही लगा। आज की वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। राइडिंग गेयर्स, राइडिंग जैकेट, हेलमेट हो गया या और कोई बाइक की एक्सेसरी हो गई तो आपको हर एक तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे मेरे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में।